हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स स्फेयर। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 3D। ठीक है, तो 3D में काफ़ी क्वेश्चन ATC में पूछे गए हैं, तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करूँगा कि कवर करूँ। ये पार्ट 1 है और जल्दी पार्ट 2 डाल देंगे। नोट्स लिखने का ज़रूरत नहीं है, फिर से ATC_Maths चैनल पर आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है और आपको जैसा बताया था 10th क्लास का क्रैश कोर्स हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। एक दो दिन में वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई आपका नोन है जिसको ज़रूरत है उसको प्लीज़ बता दीजिए। मैथ्स मैं लूँगा और अशोक यादव सर उसमें साइंस कवर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलिए, 2D ज्योमेट्री हम लोग जानते हैं, ठीक है। 2D की हेल्प से मैंने ट्राई किया कि आपको 3D एक्सप्लेन किया जाए। 2D ज्योमेट्री में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। पूरे प्लेन को ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, हम लोग जानते हैं। उसमें एक प्लेन फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, एक सेकेंड, एक थर्ड और फोर्थ। इनका साइन भी आप लोग जानते हो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, सेकेंड में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव एंड सो ऑन। ये चारों साइन आपको पता है, इसमें मैं टाइम नहीं लेता। मैं आ जाता हूँ जल्दी से 3D में। यहाँ पर हमने 3D प्लेन बना रखा है, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है। ये पूरे प्लेन को 8 पार्ट्स में डिवाइड करता है 3D प्लेन, ठीक है। इच पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेंट्स। यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि जहाँ से मुझे लगता है कि क्वेश्चन बन सकता है अगर उनको पूछना होगा, क्योंकि NCERT में एक इवेंट है, तो कोई पॉइंट दे देगा और बोलेगा ये किस ऑक्टेंट में लाई करता है। ऑक्टेंट मतलब 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, तो उनका साइन हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल ये 2D की तरह है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस होता है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में भी एक्स और वाई प्लस प्लस ही होता है। सेकेंड में साइन क्या होता है? प्लस माइनस, तो यहाँ भी सेकेंड में प्लस माइनस होता है। थर्ड में, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, थर्ड ऑक्टेंट में भी माइनस माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है, वैसा फोर्थ ऑक्टेंट में भी सेम होता है। जेड अभी मैंने नहीं लिखा। फिफ्थ, जो फर्स्ट में वही फिफ्थ में, जो सेकेंड वही सिक्स, जो थर्ड वही सेवन्थ, जो फोर्थ वही एर्थ। अब जेड क्या है? फर्स्ट में इन चारों में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में जेड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और इन फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एर्थ में जेड जो होता है वो नेगेटिव होता है। इस तरह से आप सिंपली अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा, सिंपली क्वाड्रेंट कुछ सेकेंड में वेरीफाई कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ 2D। यहाँ क्वेश्चन मैंने डाल दिया। अब ये किस क्वाड्रेंट में है? तो देखो, प्लस माइनस ये 2D में कहाँ पे आता है? एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, 2D में फोर्थ में आता है। तब 3D में किस में आएगा? तो देखो, इफ एक कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस। अगर ये प्लस होता तो ये फोर्थ में आता, और ये माइनस है इसलिए ये एर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सो दिस पॉइंट विल लाई इन एर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाते हैं। अब 2D में जो हमारा लाइन होता था ना, 3D में वैसा ही होता है प्लेन। 2D का लाइन 3D का प्लेन होता है, ठीक है। बहुत आपस में रिजेंबल करते हैं ये दोनों, ठीक है, बहुत सारे प्रॉपर्टी भी मैच करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2D के लाइन से 3D के हेल्प से 3D का प्लेन पढ़ते हैं। अब इसमें इसका हेल्प ले, इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। 2D में एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? देखो, एक्स एक्सिस कैसा कैसा लाइन होता है, इस पर कोई भी पॉइंट लोगे तो इस पर जो क्वाड्रेंट होते हैं वो, मान लो ये पॉइंट है 2,0, ये पॉइंट है 3,0, मतलब वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है एक्स एक्सिस पे, तो इसका इक्वेशन भी y=0 होता है। एक्स एक्सिस का ये पहचान है कि इस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर आपको कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेना है तो आप उसको ले सकते हैं α,0। अल्फा कोई पॉइंट होगा, वाई तो 100% 0 होगा, इसलिए मैंने वाई को 0 ले लिया। इसका बहुत यूज है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का क्या पहचान है? इस पर कोई भी पॉइंट लो, ये हो गया 0,1, 0,2, तो इस पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा क्या होता है? 0। और कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लेना है तो एक्स हमेशा आप 0 लीजिए, वाई की जगह पे कुछ अननोन हम ले सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर 3D में चलता है प्लेन के केस में, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या है, तो एक्स वाई प्लेन का पहचान क्या है, इसके लिए मैं आप थोड़ा सा आपको बोलूँगा। इमेजिन करो, आप अपने जिस रूम में बैठे हो उसका एक कॉर्नर को आप ओरिजिन मान लो,
और एक जो कॉर्नर से नीचे फ्लोर पे एक लाइन जो जा रहा है दीवार से लगा हुआ, उसको एक्स एक्सिस मान लो, एक दूसरे लाइन को वाई एक्सिस मान लो, और ऊपर की तरफ जो उस कॉर्नर से लाइन जा रहा है सीलिंग की तरफ, उसको जेड एक्सिस मान लो। मैं क्या बोला, जो फ्लोर पे एक दो लाइन जा रहा है उस कॉर्नर से एक एक्स एक्सिस ले लो, एक वाई एक्सिस ले लो वॉल के लिए। तो जिस रूम में हम बैठे हैं ना, जो हमारा फ्लोर है वो किससे बन रहा है, एक एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। तो इसको बोल देंगे हम लोग एक्स वाई प्लेन। जिस फ्लोर पे हम लोग बैठे हैं वो हो गया मेरा एक्स वाई प्लेन। अब ये एक्स वाई प्लेन है तो इसमें जेड कोऑर्डिनेट क्या है, जेड क्या, जब हम ऊपर जाएंगे तो जेड पॉजिटिव होगा, इस फ्लोर से नीचे जाएंगे तो जेड नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पर जेड क्या है, जीरो। तो हमारे एक्स वाई प्लेन का पहचान है जेड इक्वल टू जीरो, है ना। ये तो मैंने समझाया, लर्न कैसे करना है, एक्स वाई है तो जेड को जीरो कर लो। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ वाई जेड, वाई जेड है तो एक्स को जीरो कर लो। इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड है तो वाई को जीरो कर लो। एक और बात, एनी पॉइंट ऑन द एक्स वाई प्लेन, अब एक्स वाई प्लेन पर कोई भी पॉइंट लेना है, बाकी दो का पता नहीं लेकिन जेड तो जीरो होगा चूंकि इसका ये पहचान है। वाई जेड प्लेन पे एक्स जीरो होगा, बाकी कुछ कुछ होगा, उसको बीटा गामा मान लेते हैं। एनी पॉइंट ऑन द एक्स जेड प्लेन लेना है हमें नहीं पता, लेकिन वाई तो पक्का जीरो होगा, बाकी के लिए अननोन हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। इसका यूज है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। 2D में जानते हैं, अगर हमारे पास एक पॉइंट एक्स वन कमा वाई वन है, दूसरा पॉइंट एक्स टू कमा वाई टू है, और ये ए पॉइंट ए और बी को ज्वाइन कर रहा है लाइन सेगमेंट, तो ए बी लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या होगा जानते ही हो, एक के एक्स से दूसरे का एक्स माइनस करके स्क्वायर कर दो, एक के वाई से दूसरे का वाई करके माइनस कर दो। अब 3D में आ जाते हैं, ज़्यादा चेंजिंग होता नहीं है, यहाँ दो पॉइंट ले लिया जेड वन एंड जेड टू, और बस आपको यहाँ पर इसको ऐड कर देना है, हो गया डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन 3D। एक क्वेश्चन हमने ले लिया NCERT, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स पी सच दैट पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर इक्वल टू टू के स्क्वायर। मतलब एक पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, वेयर ए एंड बी आर, यहाँ पे ए एंड बी, ए छुप गया है, ए एंड बी आर पॉइंट्स। ए का कोऑर्डिनेट बोला है 3, 4, 5, और एक बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट बोला है -1, -3, -7। कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन करें, डायग्राम जरूर बनाइए। ये डिस्टेंस पी ए हो जाएगा, ये डिस्टेंस पी बी हो जाएगा। बहुत लोग ने ए बी को ज्वाइन करते हैं उसके ऊपर पी ले लेते, नहीं ये तो धांधली हो जाएगा, ज़बरदस्ती हो जाएगा, उसने बोला नहीं ना उसके ऊपर है, तो मैं उस पर ले नहीं सकता। अब लाइक करता होगा तो लाइक करता होगा, मैं खुद से क्यों ज़बरदस्ती कर दूँ, लाइक करेगा तो रिजल्ट खुद से आ जाएगा। और क्वेश्चन में बोला है पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इक्वेशन बोला है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और इसमें इसको सेटिस्फाई करा दो। पी ए का लेंथ हो जाएगा, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस किया, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को भी माइनस कर देते हैं, और दोनों के जेड कोऑर्डिनेट को भी माइनस कर देते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रूट हट जाएगा। सिमिलरली पी बी स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम बात, एक्स माइनस माइनस वन तो ये एक्स प्लस वन हो जाएगा, सिमिलरली वाई माइनस थ्री हो जाएगा, और जेड माइनस माइनस सेवन जेड प्लस सेवन हो जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 2k स्क्वायर। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ नेक्स्ट टर्म में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको आंसर दे देता हूँ, आप इसको मैच कर लेना, है ना, सिंप्लीफाई ही तो करना है। और जैसे बोलेगा कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, कि ऐसा दे देंगे और इस तरह के चार ऑप्शंस आपको दे देंगे, ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे, ऑब्जेक्टिव पूछ ही लेंगे, एनसीईआरटी का पार्ट है, उनको कोई परेशानी नहीं पूछने में। बस क्या करना है, यहाँ जो इक्वेशन सही है उसमें कुछ कांस्टेंट वगैरह चेंज कर देंगे, उल्टा पुल्टा 2 की जगह 3, 3 की जगह 9 कुछ ऐसे लिख देंगे, ऑप्शन में डाल देंगे, तो ये आपका आंसर आएगा। एक बार ना सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें लगता है कंडीशन फॉर कोलिनेरिटी, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इस पार्ट को कवर किया है। आपको सिंपली क्या करना है, अगर मान लो तीन पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका क्या मतलब है कि तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, अब क्या करो ए बी डिस्टेंस, जो तीन पॉइंट गिवेन है हर के उनमें हर दो के बीच का डिस्टेंस पता कर लो, ए बी बी सी और ए सी, और क्या करो जो जो
छोटे छोटे डिस्टेंस है उनको सम करो, अगर वो सबसे बड़े बड़े वाले डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर नहीं आता है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अब यहाँ पर सो डैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, बोले कि अब ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा, वो क्या कर देंगे आपको तीन पॉइंट्स दे देंगे, ठीक है, वो बोल देंगे ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन ए दिस थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये बोलेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पहले एटीसी में इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। बोलेगा ये तीनों पॉइंट जो है एक ट्राइंगल बनाता है जो आइसोसेलेस है, एक राइट एंगल है, या बोलेगा एस्कैलीन ट्राइंगल है, ठीक है। तो सारा का कंडीशन मैं बताऊँगा आपको, इसे पता भी होगा आपको, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है ये कोलिनियर है या नहीं ये चेक करना है। तो आप क्या करो पी क्यू पता करो, मैं जैसा बोला कि तीनों के बीच का डिस्टेंस पता कर लो। पी क्यू के लिए क्या करना है, इसके एक्स से इसका एक्स माइनस कर लेते हैं, तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, थोड़ा जल्दी से लिख देते हैं। इसके वाई से इसका वाई माइनस करो, इसके वाई से इसका वाई थ्री माइनस टू वन, वन का स्क्वायर वन, और इसके वाई जेड से इसका जेड माइनस करो, फाइव माइनस थ्री टू, टू का स्क्वायर फोर, तो ये कितना हो गया रूट फोर्टीन। चलो अब क्यू आर पता कर लेते हैं सेम तरीके से। क्यू आर कैसे पता करेंगे, इससे इसका एक्स सेवन माइनस वन सिक्स, सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स, जीरो माइनस टू का स्क्वायर फोर, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, ये कितना हो जाएगा फिफ्टी सिक्स। फिफ्टी सिक्स को लिख सकते हैं फोर इंटू फोर्टीन, फोर का टू बाहर आ जाएगा, ऐसा आ गया। अब एक और डिस्टेंस पी क्यू क्यू आर एंड पी आर पता कर लेते हैं सेम तरीके से, है ना, कितना आसान है। देखो सेवन माइनस माइनस टू माइनस नाइन, नाइन का स्क्वायर एटी वन, जीरो माइनस थ्री ये भी नाइन हो जाएगा, और माइनस वन माइनस ये सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स हो जाएगा, ये कितना आ रहा है नाइन्टी हंड्रेड वन ट्वेंटी सिक्स, ये फोर्टी नाइन जा होता है इतना, नाइन इंटू फोर्टीन, नाइन का थ्री बाहर। अब क्या करना है आपको, दो छोटे छोटे को सम करो, सबसे छोटा है रूट फोर्टीन, उससे बड़ा है टू रूट फोर्टीन, इसको सम किया, देखो रूट फोर्टीन प्लस टू रूट फोर्टीन, आप इसको मानो कि ये कोई एप्पल है, है ना, या एक्स है, एक्स प्लस टू एक्स कितना होगा थ्री एक्स, एक्स की जगह क्या रख दिया, क्या ये सबसे बड़े वाले के इक्वल है, हाँ ये इसके इक्वल है, यस दिस थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो सिंपली हम लोग कोलिनियरिटी इस तरीके से पता कर लेते हैं। एक ए टी सी का क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था कॉम्प्लेक्स नंबर में, लेकिन है तो ये टू डी ज्योमेट्री का क्वेश्चन, और ये थ्री डी में भी ऐसा आ सकता है। द कॉम्प्लेक्स नंबर दिज आर वर्टिसेज ऑफ अ, अब किस तरह के ट्राइंगल का वर्टिसेज है, तो आप क्या करो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो वन प्लस टू एटा इज नथिंग, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ पॉइंट वन कॉमा टू, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस जेड टू जो है फोर माइनस टू एटा इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू कॉम्प्लेक्स नंबर फोर कॉमा माइनस टू, एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर जेड थ्री इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू पॉइंट वन कॉमा माइनस सिक्स। अब ये तीनों से एक मैं बोला क्या बोला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हमें डायग्राम के हेल्प से करना चाहिए। जेड वन जेड टू जेड थ्री, जेड वन जो आया है वन कॉमा टू, जेड टू जो आया है वो फोर कॉमा माइनस टू, एंड जेड थ्री जो आया है वो वन कॉमा माइनस सिक्स। अब एक जो है मैंने इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, इसको पॉइंट बी बोल देते हैं, इसको पॉइंट सी बोल देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब एक किस तरीके का ट्राइंगल है, राइट एंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, तो हमें इसके लिए ट्राइंगल के लेंथ साइड्स का लेंथ निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं जल्दी से ए बी, ये तो टू डी की तरह निकालेंगे। ए बी के लिए इसके एक्स से इसका एक्स माइनस करो, फोर माइनस वन थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस टू से माइनस टू करो, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, ये हो गया सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव का रूट फाइव, ए बी आ गया। बी सी निकाल लेते हैं, बी सी है ना, इसके एक्स से इसका एक्स माइनस करो, फोर माइनस वन थ्री का स्क्वायर नाइन, इसके एक्स से इसका माइनस टू माइनस माइनस सिक्स, तो फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, ए बी फाइव आ गया। अब ए सी में आ जाता है, फिर से वन माइनस वन का स्क्वायर जीरो, और टू माइनस माइनस सिक्स एट, एट का स्क्वायर, ये तो एट ही आ गया। अब देख सकते हैं दो साइड इक्वल आया, मतलब 100% जो ए ट्राइंगल है आइसोसेलेस तो है। क्या ये अब राइट एंगल भी है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन है कि ये राइट एंगल, अच्छा राइट एंगल है या नहीं, आइसोसेलेस है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर राइट एंगल होगा, मान लो ऐसे तीन साइड आ जाते हैं, तो क्या करना है,
दो छोटे छोटे साइड का है ना, दो स्मॉलर साइड ए और बी मान लो स्मॉलर साइड है, उनका स्क्वायर करके सम करो, अगर वो तीसरे के इक्वल आ जा रहा है इसका मतलब वो ट्राइंगल राइट एंगल होता। ठीक है, इसमें इस बार ऑप्शन आइसोसेलेस आ गया। इक्विलैटरल में क्या करते, तीनों साइड को इक्वल कर देते, तीनों लेंथ है, और एस्केलिन में क्या होता, कोई भी साइड का लेंथ इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से देख लेंगे। अब यही क्वेश्चन 3D में आएगा तो आप नहीं कर लेंगे, कितना आसान तो है कि नहीं, आराम से कर लेंगे आप 3D में। नेक्स्ट पोर्शन जो ATC ने टच किया है एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में, वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला दो तरीके का होता है, कि इंटरनल डिवीजन का, एक्सटर्नल डिवीजन का, दोनों में वन बाई वन डिस्कस करता हूँ। इंटरनल डिवीजन का क्या मतलब है, एक पॉइंट गिवन x1 कॉमा, पहले 2D में बताते हैं आपको x1 कॉमा y1, और दूसरा पॉइंट गिवन है x2 कॉमा y2, और एक पॉइंट P है जो कि इसको m:n रेशियो में डिवाइड करता है, एक तीसरा पॉइंट है जो इसे m:n रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सिंपल होता है इसका कोऑर्डिनेट निकालना। आपको क्या करना है कि इस पॉइंट का मैं x कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहा हूँ, m को ना इधर वाले x से मल्टीप्लाई करो और n को इधर वाले x से मल्टीप्लाई करो, तो m into x2 प्लस n into x1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। सिमिलरली अगर आपको इस p का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप क्या करो, इसे फिर से इधर वाले y से मल्टीप्लाई करो, my2 ny1 डिवाइडेड बाय m+1। सिमिलरली अगर मान लो ये 3D में ले जाते हैं तो ये पॉइंट z1 z2 हो जाएगा, फिर से इस m को अपोजिट साइड के z से मल्टीप्लाई करेंगे, इस n को इधर वाले अपोजिट साइड के z1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको सम कर देंगे। ये हो गया इनका कोऑर्डिनेट, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया इस तरीके से। ठीक है, कितना आसान है, फार्मूला लर्न नहीं करना, सीधे सिंपली इन नंबर्स को लिखना, अभी हम अप्लाई करके दिखाएंगे, फार्मूला लर्न करने का ज़रूरत नहीं है। अब एक्सटर्नल में क्या होता है, इसमें पहले सिचुएशन समझाते हैं, हमारे पास ए पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, इस बार जो पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, जो हमें AP:PB दिया है, ए पॉइंट इसको AP:PB दिया है, वो आउटसाइड है, एक्सटर्नल है, तो उस समय क्या करते हैं, कुछ नहीं करना आप, बिल्कुल पहले की तरह लिखो, बस जहाँ पर प्लस था वहाँ माइनस कर दीजिए, एक्सटर्नल डिवीजन हो जाता है। इसको भी लर्न करने का ज़रूरत नहीं है, अगर 3D में है पॉइंट तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, MZ2 - NZ1 डिवाइडेड बाई M-N। क्वेश्चन को जरूर समझते हैं, इसको क्या है, चलिए मैं वो NCERT का कुछ क्वेश्चन हमने वहाँ से लिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स हुज डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, डायग्राम बना लेते हैं। एक पॉइंट A है -2, 3, 5, दूसरा पॉइंट B है 1, -4, 6, और एक पॉइंट P है जो कि इंटरनली इसको 2:3 में डिवाइड करता है। देखो पॉइंट P निकालना कितना है, लर्न नहीं करना है फार्मूला, इधर वाले को इधर के x से मल्टीप्लाई करो, 2:1, 2, इधर को इधर के x से मल्टीप्लाई करो, 3:-2, -6 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम 2+3, सबके नीचे तो इन्हीं दोनों का सम आता है। y कैसे निकालेंगे, ये NCERT का क्वेश्चन है, तो y निकालने के लिए इस 2 को इधर वाले y से 2:-4, -8, 3:3, +3। सिमिलरली z निकालने के लिए इस को इधर वाले z से 2:6, 12, 3:5, 15, जो पॉइंट निकल के आ रहा है -4/7 है ना, 1/5 and 27/5। इतना आसान है, अब वही अगर एक्सटर्नल डिवीजन होता तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो बीच में माइनस साइन हमने जो यूज़ किया ना यहाँ पर, सॉरी यहाँ प्लस साइन जो यूज़ किया है, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 2 - -6 प्लस हो जाता, ये यहाँ पर माइनस साइन यूज़ कर लेते, यहाँ भी माइनस, हर जगह माइनस कर देंगे तो एक्सटर्नल डिवीजन का आंसर आ जाएगा, तो लर्न करना बिल्कुल भी नहीं, आप समझ गए होंगे। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, अभी ATC का एक क्वेश्चन लेंगे, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है कि हमसे पूछ लेगा किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये बताओ। चलिए एक ATC के क्वेश्चन के थ्रू इसको हम समझते हैं। एक पॉइंट P है, P इज द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, डायग्राम बना लेते हैं। एक पॉइंट है A ले लेते हैं इसको 3:2-1, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं B
सिक्स टू माइनस टू, और एक पॉइंट पी दे दिया और हमें बोला कि ये जो पॉइंट पी है इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बता दिया हमें फाइव, बाकी कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। तो मैं मान लेता हूँ बीटा एंड गामा, बोला किस रेशियो में इसको, अच्छा इसका वाई कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, डेट इज बीटा हमें निकालना है। तो आपको क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो ना तो दो तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो सेक्शन फार्मूला में कर सकते हैं, लेट दिस रेशियो इज केस टू वन, कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे आप रेशियो को केस टू वन अपने तरफ से मान लो। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इन्होंने दिया है और मैं फार्मूले से कैलकुलेट करता हूँ। पी इसके लिए इधर वाले को इधर के एक्स से, इधर वाले को इधर इधर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स लिखते हैं सिक्स के प्लस वन इंटू थ्री डिवाइडेड बाई के प्लस वन, फिर इधर वाले को इधर से टू के प्लस वन इंटू टू डिवाइडेड बाई के प्लस वन, फिर के को इधर से करते हैं माइनस टू के वन इंटू माइनस वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन। हमने अपने तरीके से इसका के पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा और उसमें एक्स गिवन है, ये गिवन और ये हमने कैलकुलेट किया, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो फाइव मस्ट बी इक्वल टू सिक्स के प्लस थ्री डिवाइडेड बाई के प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइव के प्लस फाइव इक्वल टू सिक्स के प्लस थ्री। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इधर इसको ले आएंगे, फाइव माइनस थ्री टू एंड सिक्स के माइनस फाइव के का वैल्यू आ गया टू। तो अगर ये रेशियो पूछता फिर भी हम बता देते, रेशियो क्या हो जाता, k इज टू वन मतलब टू इज टू वन, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है y कोऑर्डिनेट, तो ये है y कोऑर्डिनेट, इसमें k का वैल्यू रख दो, तो y कोऑर्डिनेट k की जगह इसमें रख रहे हैं टू, तो टू इंटू टू प्लस टू डिवाइडेड बाई टू प्लस वन, तो हो जाएगा फोर प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री विच इज टू, सो y कोऑर्डिनेट इज टू, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान क्वेश्चन, देख लो आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन। और बाकी क्वेश्चन हमने गेस किया कि और क्या पूछा जा सकता है, ये तो पूछ लिया इन्होंने, इस बार दिया तीन पॉइंट्स दे दिया, बोले कोलिनियर फाइंड द रेशियो इन हिच क्यू डिवाइड्स पी आर, फिर से रेशियो बोला, सिंपली क्या करना है पी पॉइंट लेना है थ्री टू माइनस फोर, अगला पॉइंट आर ले लेते हैं नाइन एट माइनस टेन, और क्यू यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं फाइव फोर माइनस सिक्स, और फिर से रेशियो के इज टू वन पता कर लिया, फिर से क्यू का कोऑर्डिनेट फॉर्मूले से पता करते हैं, इधर वाले नंबर को के से, इधर वाले नंबर को वन से मल्टीप्लाई करना है, एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं नाइन के प्लस थ्री डिवाइडेड बाई के प्लस वन, एट के प्लस टू डिवाइडेड बाई के प्लस वन, एंड माइनस टेन के माइनस फोर डिवाइडेड बाई के प्लस वन। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, गिवन क्या है, अपना एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, तो नाइन के प्लस थ्री डिवाइडेड बाई के प्लस वन मस्ट बी इक्वल टू फाइव, क्रॉस मल्टीप्लाई किया नाइन के प्लस थ्री इक्वल टू फाइव के प्लस फाइव, सबको एक साइड ले आया नाइन के माइनस फाइव के फोर के, फाइव माइनस थ्री टू, के का वैल्यू आ गया टू बाई फोर, वन इज टू टू, एक के आ गया, तो आंसर क्या है के इज टू वन मतलब वन इज टू टू, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, जब भी रेशियो माने बोले के इज टू वन लिख लीजिए और कंपेयर कर लीजिए गिवन पॉइंट्स। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है इसके बाद वाला ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं गेस कर रहा हूँ कि ये ना आने का बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहा है हमको, क्वेश्चन इन्होंने अभी तक पूछा क्यों नहीं, तो अभी करेंगे इसको, इसको कर लेते हैं पहले। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, ए बी एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, डायग्राम बना लीजिए पी फोर कॉमा टू कॉमा माइनस सिक्स, एंड देर इज अनदर पॉइंट से क्यू व्हिच इज टेन कॉमा माइनस सिक्सटीन कॉमा सिक्स। हमें बोला एक वैसा पॉइंट बताओ जो इसको ट्राइसेक्ट करता है, ट्राइसेक्ट का क्या मतलब है, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर इस लाइन सेगमेंट पी क्यू को कोई तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो दो पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिया ए, एक पॉइंट ए, दोनों पॉइंट से जो इस लाइन सेगमेंट को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब हमें इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, ऑप्शन में कोई भी दे सकता है या दोनों दे सकता है। तो मान लो पहले मैं कोशिश करता हूँ
ए निकाले। तो देखो अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये तीनों सेम है, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को बोल दूँ वन, इस डिस्टेंस को वन बोल दूँ, तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को क्या बोलोगे टू। तो एक्चुअली हम मैं ऐसा लिख सकता हूँ पी ए इज़ टू ए क्यू इज वन इज़ टू टू। अब पी ए इज़ टू ए क्यू वन इज़ टू टू आ गया, तो ए का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं कैसे, इधर वाले नंबर को इधर से मल्टीप्लाई करो, इधर वाले नंबर को इधर से मल्टीप्लाई करो। मैं ए का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ यूजिंग विद द हेल्प ऑफ पी एंड क्यू। तो टू इंटू फोर एट डिवाइडेड बाई टू प्लस वन, सिमिलरली टू इंटू टू फोर, मैंने सही किया फर्स्ट, टू इंटू फोर एट और वन इंटू टेन एटीन, एटीन बाई थ्री। फिर सिमिलरली टू इंटू ये टू है ना, वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं टू इंटू टू फोर और वन इंटू माइनस सिक्सटीन, माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन विच इज़ थ्री। फिर जेड लिखते हैं टू इंटू माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व, वन इंटू सिक्स, सिक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस वन थ्री। अब ये कितना आ जाएगा, एट प्लस फोर, एट प्लस टेन एटीन बाई थ्री सिक्स, ये हो गया माइनस ट्वेल्व बाई थ्री माइनस फोर, और माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्स माइनस सिक्स बाई थ्री माइनस टू। ए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया है ना, ए पॉइंट आ गया अपना है ना, इधर स्पेस नहीं है कोई बात नहीं, ए पॉइंट आ गया सिक्स कॉमा माइनस फोर कॉमा माइनस टू। अब हमें बी निकालना है, बी निकालने के लिए कोई मेहनत ही नहीं करना, बी जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है ना, जितना डिस्टेंस है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट के लिए सिंपल फार्मूला होता है, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का सम करो, टेन सिक्स प्लस टेन सिक्सटीन, और उसको टू से डिवाइड कर दो एट, माइनस फोर प्लस प्लस माइनस सिक्सटीन तो माइनस ट्वेंटी, फिर उसको टू से डिवाइड करो माइनस टेन, और माइनस टू और सिक्स को ऐड करो फोर, उसको टू से डिवाइड करो, तो ये दोनों पॉइंट हमें आ गया। तो पहला पॉइंट आपको सेक्शन फार्मूला से निकालना है वन इज टू टू से, दूसरा मिड पॉइंट फार्मूला से निकालना है। होप आपको ने ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अब देखो एक पॉइंट ए है, मैं बोला था डायग्राम का हेल्प हमें लेना चाहिए टू डी या थ्री डी का क्वेश्चन करते समय। दूसरा पॉइंट है थ्री कॉमा माइनस फाइव कॉमा एट, ये भी क्वेश्चन एन सी आर टी का। वाई जेड प्लेन है यहाँ पे है कोई, लेकिन आपको सबसे बिगनिंग में मैंने बताया था कि वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई जेड प्लेन का पहचान क्या है, यहीं पे था। वाई जेड प्लेन में हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो इसको यूज करना है आपको यहाँ इस क्वेश्चन में, ठीक है, चलो यहाँ यूज कर लेते हैं। वाई जेड प्लेन है, अगर ये वाई जेड प्लेन है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, बाकी कुछ कुछ होंगे। तो अब इसको फिर से रेशियो मान लो के इज टू वन, फिर से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो पहले की तरह, के इंटू थ्री, थ्री के प्लस वन इंटू माइनस टू डिवाइडेड बाई के प्लस वन, के इंटू माइनस फाइव, माइनस फाइव के वन इंटू फोर, फोर डिवाइडेड बाई के प्लस वन। सिमिलरली जेड के इंटू एट, एट के प्लस वन इंटू सेवन डिवाइडेड बाई के प्लस वन। अब देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है और ये दोनों तो इक्वल होना चाहिए, कंपेयर कर लेते हैं या इक्वेट कर लेते हैं। इक्वल टू जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे थ्री के इक्वल टू टू आ जाएगा, के का वैल्यू टू अपॉन थ्री। जैसे ही के इक्वल टू टू अपॉन थ्री आ गया, अब इन दोनों पॉइंट में के का वैल्यू रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, ये तो जीरो, पहला तो जीरो हो गया, दूसरा निकाल लेते हैं फाइव माइनस फाइव के प्लस फोर डिवाइडेड बाई के प्लस वन, के का वैल्यू हमें रखना है टू बाई थ्री प्लस फोर डिवाइडेड बाई के प्लस वन, टू बाई थ्री प्लस वन, और इसको आप जब सम करोगे, चलो एलसीएम वगैरह लो खुद से, थ्री और वन का एलसीएम थ्री, माइनस टेन प्लस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई थ्री, टू प्लस थ्री ये इससे कैंसिल हो गया, तो टू बाई फाइव आ गया सेकेंड कोऑर्डिनेट। चलो जेड निकाल लेते हैं, जेड क्या है, एट के प्लस
सेवन डिवाइडेड बाई के प्लस वन, के का वैल्यू टू अपॉन थ्री डाल देते हैं इसमें, टू अपॉन थ्री प्लस सेवन डिवाइडेड बाई टू बाई थ्री प्लस वन। एलसीएम भी ले ही लिया होगा आपने, तो न्यूमरेटर का एलसीएम थ्री और वन का थ्री, सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई आ जाएगा टू प्लस थ्री बाई थ्री, ये दोनों कैंसिल आउट, 37 बाई फाइव। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया, x तो जीरो था, y 2 बाई फाइव एंड z 37 बाई फाइव। एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लेते हैं, चूँकि पॉइंट थोड़ा अजीब सा आ गया। हमने पहले क्वेश्चन सही कॉपी किया था, देख लेते हैं पॉइंट्स, माइनस टू फोर कॉमा सेवन, थ्री माइनस फाइव कॉमा एट, बिल्कुल सही। केस टू वन, थ्री के माइनस टू डिवाइडेड के प्लस वन, गुड। उसके बाद माइनस फाइव के प्लस फोर के प्लस वन, ये भी सही है। एट के प्लस सेवन बाई के प्लस वन, ये भी सही है। चलो इसको जीरो से इक्वेट किया, ये भी सही है। के का वैल्यू टू बाई थ्री सही है, माइनस टेन ठीक है, ट्वेल्व हाँ सही लग रहा है मुझे, मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। चलो ठीक है, तो आज यहाँ पर फर्स्ट पार्ट फिनिश करते हैं, सेकेंड पार्ट जल्दी, बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, ठीक है, ओके।